नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों की। आज नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी दिए जाने का एक साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में कई पहलुओं को भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4:30 बजे होगा। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा में छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का विकल्प देने वाले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के पहले साल के कार्यक्रमों और उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देशों को भी जारी करेंगे। शुरू की जाने वाली पहलों में विद्या प्रवेश भी शामिल है, जो ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयार मॉडल है। माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा निष्ठा 2.0 एनसीईआरटी की तरफ से डिजाइन किए गए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक एकीकृति कार्यक्रम है। सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को समर्पित एक वेबसाइट शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी छात्रों को संबोधित करने जा रहे हैं। आज नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ है और कई अहम पहलों को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें बदली गई थी, जिसमें जो क्षेत्रीय भाषा है उसको पूरी तरह से जोर दिया गया था। टेक्निकली बहुत ज़्यादा बच्चों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ इंटर्नशिप जो है वो भी 9th क्लास से शुरू करने की बात कही गई थी। असम पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने उन लोगों की तस्वीरों का एक कलेक्शन तैयार किया जिन्होंने 26 जुलाई को सीमा पर संघर्ष के दौरान उसके कर्मियों पर कथित रूप से गोलीबारी की थी। साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। विशेष पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा है कि पुलिस ने हिंसा के दौरान 6 पुलिसकर्मियों की हत्या के संबंध में धारा 302 और अन्य अधिनियमों सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि सोमवार को अंतर राज्य सीमा के पास हुई हिंसक झड़प में कुल 7 लोग, 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक मारे गए थे। वहीं कछार जिले के पुलिस अधीक्षक सहित 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि असम पुलिस ने तस्वीरों को एक कलेक्शन तैयार करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गोलीबारी करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी तहत कार्रवाई की जाएगी। तो सीमा विवाद पर असम सरकार का ऐलान सामने आया है। आरोपियों की सूचना देने पर 5 लाख का इनाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में कईयों की जान चली गई थी। ऐसे में विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो अब असम सरकार का ये पूरा प्लान तैयार हुआ है। जो तस्वीरें हैं उनको काफी ज्यादा आगे पहुंचाया जाएगा और जो भी व्यक्ति इन तस्वीरों के आधार पर बताएगा, जानकारी देगा, उनको 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दिल्ली दौरे का आज 4th दिन है। पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद आज ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा ममता अपने दिल्ली दौरे के 4th दिन शरद पवार, संजय राउत, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिल सकती हैं। एक दिन पहले ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की थी। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान पेगासस जासूसी मामले पर भी चर्चा की गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि सोनिया गांधी विपक्ष की एकजुटता चाहती हैं। ममता ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमारे लिए जनता ही चेहरा है, लोकतंत्र बचाने के लिए चेहरा भी आ जाएगा। 2024 में विपक्ष के चेहरे के विषय पर ममता बनर्जी ने यह बात कही जब उनसे पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल के बाहर देश भर में भी खेला होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, देश में भी खेला होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इन दिनों 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है और लगातार वो विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। साथ ही साथ 2024 को लेकर उन्होंने कहा है कि ये पूरी तैयारी है और कहीं ना कहीं यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर सकती हैं। इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुकी हैं, साथ ही साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली थी कि वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा फिल्मी जगत से जुड़े जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इस बीच केरल में बहुत तेज बढ़ते हुए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बीते कुछ दिनों में आए नए एक्टिव केस में सबसे ज्यादा केरल से मामले आए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी है। इस बीच उत्तर भारत के राज्यों में नए केस कम होने के बीच स्कूलों का खुलना भी जारी है। केरल में ईद में मिली छुट्टी के बाद अचानक से ही कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ताजा मामलों में आधे से ज्यादा मामले केरल से ही आ रहे हैं और पिछले चार हफ्तों में नए मामलों की ग्रोथ डराने वाली है। केरल के कई जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के मामलों में 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब राज्य सरकार को सुपर स्प्रेडर इवेंट पर रोक लगाने की जरूरत है। तेजी से नए मामलों में कमी आने की अपील भी की जा रही है। देश में इस वक्त करीब 4 लाख एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 1.5 लाख तो केरल से ही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केरल में कोरोना की रफ्तार किस तरह से बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर सबसे पहले केरल में ही प्रवेश कर चुकी है। उत्तर भारत में स्कूल खोलने पर मंथन लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से केरल में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये चिंता का विषय है कि आने वाले समय में स्कूल खुल पाएंगे या नहीं। अगर बात की जाए तो भारत में फिलहाल 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, जो कोरोना संक्रमित है। उनमें से अगर 1.5 लाख की बात की जाए तो 1.5 लाख सिर्फ और सिर्फ केरल से हैं। तो केरल में मामले डरा रहे हैं, संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार केरल को फटकार लगा चुका है, केरल सरकार को। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी अब राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है कि वहां पर अब प्रतिबंध जो है वो सख्ताई से लागू होने चाहिए, तभी आंकड़ों में कमी हो सकती है, अन्यथा ये मामले और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, अब भी वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बुधवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ समाजवादी नेता राम गोपाल यादव और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। ये मुलाकात मीसा भारती के सरकारी आवास पर हुई। इन सबके बीच इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। शरद पवार और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट कर शेयर भी किया। दोनों ने बताने की शायद कोशिश की है कि औपचारिक मुलाकात है और वो सभी लालू यादव का हालचाल लेने के लिए गए थे। शरद पवार ने लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। लालू यादव से अरसे बाद मुलाकात हुई और उनसे मिलकर खुशी हुई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं है, काफी समय से बीमार चल रहे हैं। तो ऐसे में यूपी में तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेता लगातार लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं, तो ऐसे में इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण किसी नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि महामारी से निपटने में अभी किसी भी तरह की ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सक्रिय मामले अभी बहुत ज्यादा हैं। केंद्र ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रभावी कोरोना प्रबंधन के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका और कोरोना संबंधी उचित आचरण की 5 सूत्रीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित रखने को कहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए भीड़भाड़ वाले सभी स्थानों पर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना जरूरी है। तो महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। सक्रिय मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, मामले अब भी लगातार सक्रिय हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मामले काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार सरकार फैसला ले रही है कि जो भी सख्ताई है, जो भी दिशा निर्देश है, उन्हें आगे और बढ़ाया जाए, यानी कि 31 अगस्त तक इन्हें बढ़ाया जाए, ताकि ये संक्रमण जब तक खत्म ना हो तब तक हम लोग लापरवाह ना रहे। हम सभी को एक साथ सरकार के साथ चलने की जरूरत है, तभी हम इस कोरोना से निजात पा सकते हैं। तो बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, जो भी दिशा निर्देश है उन्हें 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने राज्य के 8 शहरों में 12 जगह छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि इन जगहों में एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल के परिसर भी शामिल हैं। और छापों की ये कार्रवाई मुंबई, पुणे, अहमदनगर, नासिक, थाने, सोलापुर, सांगली और उस्मानाबाद में की गई है। पुणे और मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पाटिल के परिसरों और अहमदनगर और मुंबई में भुजबल से जुड़े परिसरों पर भी अभियान के दौरान छापेमारी की गई।
अभियान मंगलवार रात खत्म हुआ। वहीं परिसर कथित बिचौलियों के हैं जिनके नाम जांच एजेंसी ने उजागर नहीं किए हैं। सीबीआई ने देशमुख और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और आपराधिक साजिश से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को शहर के बार और रेस्टा से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रारंभिक जांच में प्राइम फेसी में सामने आया है कि मामले में संज्ञेय अपराध हुए हैं, जहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और कई अज्ञात लोगों ने अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों के अनुचित और बेईमान प्रदर्शन से अनुचित लाभ लेने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई नियमावली के अनुसार यह आंकलन करने के लिए प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी गई है। देश को कोरोना का एक और टीका मिल सकता है। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से जायकोव डी टीके को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया है। सीडीएससीओ टीके को अनुमति देता है तो ये दुनिया का पहला डीएनए आधारित कोरोना टीका होगा। टीके को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और आईसीएमआर ने जायडस कैडिला का सहयोग किया। जायकोव डी टीके की डोज शरीर में जैसे ही जाएगी, टीका शरीर की कोशिकाओं को कोट देगा, जिसके बाद शरीर में वायरस के बाहरी हिस्से जैसा दिखने वाला स्पाइक बनने लगेगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे खतरा मानकर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और शरीर कोरोना से बचने को तैयार हो जाएगा। यानी कि एक और वैक्सीन जो है, एक और जो टीका है वो भारत को मिल सकता है। दिसंबर तक 5 करोड़ डोज का उत्पादन करने का यहां पर पूरा मंथन किया जा रहा है। स्प्रिंग युक्त डिवाइस से ये टीका लगेगा और बताया जा रहा है कि टीका बेहद कारगर है। ये शरीर में जाएगा और जो एंटीबॉडी है वो बनाएगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि शरीर में किस तरह से जो वायरस है वो फैल रहा है, कितने दिनों तक रहेगा और आगे जब इसके डोजेज हैं जब लगाए जाएंगे तो इसका प्रभाव कितना अच्छा शरीर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो कोरोना के मामले अब भी सक्रिय हैं, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी चिंता बनी हुई है। इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत को जल्द ही एक और टीका मिल सकता है। जी हां, स्प्रिंग युक्त डोज जो है वो अब लोगों को मिल सकती है। दक्षिण में बादल फटने से पूर्व मचेल सेक्टर में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। गनीमत रही कि मचेल यात्रा पर रोक लगा दी गई है, जिससे बड़ी त्रासदी होने से बच गई। बाढ़ से दरियाई नालों पर बने 5 पुल बह गए, इससे गांवों का आपसी संपर्क कट गया है। इलाके में बिजली भी गुल हो गई है। 300 से ज्यादा लोग अलग अलग जगहों पर अब भी फंसे हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। प्रशासन के अनुसार राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वैकल्पिक संपर्क मार्ग बनाकर फंसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। दक्षिण के हौजन गांव में बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे बादल फटने से तबाही मची, लेकिन पाडर के मचेल सेक्टर में मंगलवार देर शाम से ही भीषण बाढ़ आ गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीमों ने पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से मंगलवार शाम से ही लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। मचेल सेक्टर के एसडीएम वरणजीत चादक ने बताया कि बाढ़ की सूचना मिलने पर मंगलवार रात 7 बजे से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम शुरू किया जा चुका है। पुलिस और स्थानीय लोगों की टीमें बनाई गई हैं। सुबह 3 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सुनिश्चित किया गया कि कोई भी खतरे वाली जगह पर न रहे। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में इन दिनों बारिश कहर बनकर टूट रही है। नदी नाले उफान पर है, कहीं बादल फटने की सूचनाएं आ रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। राहत बचाव की टीम के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनकी टीमें भी तैयार कर दी गई हैं, ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं। सभी नदी नालों में बाढ़ सी आई हुई है, जिसकी वजह से कईयों के आशियाने डूब गए हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 43,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 38,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और 640 मरीजों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,97,330 हो गई है। इसमें बीते एक दिन में 3,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जो कि पिछले 77 दिनों में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है।
जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि केरल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां लगातार दूसरे दिन 22,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। 27 जुलाई को 22,129 मरीजों की पहचान हुई थी। 28 जुलाई को 22,056 केस आए। अभी एक लौता राज्य है जहां 1,00,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। 1,00,000 से ज्यादा मरीज अब भी सक्रिय है। तो देश में कोरोना के आंकड़े बीते कई दिनों से फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें उछाल देखने के लिए मिला है। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अगर बीते कई दिनों की हम बात करें तो ये आंकड़ा बहुत कम हो चुका था, लेकिन 4-5 दिनों से फिर संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश की जांच तेजी से चल रही है। सरकार को अस्थिर करने और विधेयकों की खरीद फरोख्त के मामले में अब तक कांग्रेस के 18 में से 11 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। इससे पार्टी की किरकिरी तो हो ही रही है, वहीं अब आलाकमान ने भी प्रदेश कांग्रेस से पूरे मामले में जवाब मांग लिया है। इस बीच बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की आवास पर विधायकों की बैठक हुई है, जिसमें विधायकों ने 1-to-1 बात की गई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमेश्वर उमराव भी मौजूद रहे। सरकार गिराने की साजिश मामले में रांची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के बयान पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें कांग्रेस विधायक नजर आ रहे हैं। इससे कांग्रेस विधायक संदेह के घेरे में आ गए हैं। वह इस मामले को जानने समझने में प्रदेश कांग्रेस के वरीय नेता जुटे हुए हैं। विधायकों की ओर से जानकारी जमा की जा रही है ताकि आलाकमान को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया जा सके। वहीं विधायक इरफान अंसारी और उमाशंकर ने साफ कहा है कि उन पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पिता के इलाज के लिए दिल्ली गए थे, कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में दिख गए होंगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूं। तो अपनी ही सरकार गिराने में कांग्रेस के 11 एमएलए लगे हुए हैं और उस पर जांच भी लगातार तेजी के साथ की जा रही है। विधायकों के साथ लगातार बैठक भी जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाए, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को यह काम नहीं करने दे रही। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया, संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात हो। पेगासस और कई मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है और सिर्फ संसद ही नहीं सड़कों पर भी इसकी आवाज लगातार सुनाई दे रही है। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा, लेकिन जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम जो अध्यादेश हैं, जो पटल पर रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होनी है केंद्र सरकार को, जिसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करवाना है, उन पर चर्चा नहीं पा रही है। लेकिन विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सबसे जो प्रमुख चेहरा सामने आ रहा है वो राहुल गांधी का सामने आ रहा है। बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में संजय नगर निवासी किराना व्यापारी ने अपने लिए स्विगी से ऑनलाइन 250 रुपए के मोमोज ऑर्डर किए। जब मोमोज का ऑर्डर पहुंचा तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसके बाद व्यापारी ने स्विगी से मंगाए मोमोज की ऑनलाइन ही शिकायत कर पैसे वापस करने की मांग की। उस वक्त कॉल कट गई और उसके कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने खुद को कंपनी का कस्टमर केयर अधिकारी बताते हुए उनकी मदद करने की बात कही। उसने व्यापारी के मोमोज के 250 वापस करने का लालच देकर उनके बैंक खाते से 2 बार में गूगल पे से 70,000 रुपए की ठगी कर ली, जिसके बाद किराना व्यापारी ने इज्जतनगर थाने में ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ऐसे ही तमाम मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ऑनलाइन ठगी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। तो बरेली का ही पूरा मामला है जहां पर ऑनलाइन ठगी का शिकार एक व्यक्ति हुआ है। अशोक बिहार मोहल्ले के संजय नगर के रहने वाले अशोक कुमार आर्या ने थाना इज्जत नगर में एक तहरीर दी कि उन्होंने गूगल पे से ट्रांजैक्शन किया था और एक अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल करने के बाद HDFC में उनका बैंक अकाउंट का खाता है और उनके खाते से 2 बार में, 1 बार में 55,000 तथा दूसरी बार में 14,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त करके थाना इज्जत नगर में अभी पंजीकृत किया गया है तथा इसकी विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही हम इसको जो है पता रसी करके जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया या जिसने करी है उसके विरुद्ध शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
बिजनौर के बड़ापुर इलाके में पहाड़ नदी का पानी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से इस पहाड़ा नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है। वहीं ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। कई गांव के आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर है। आजादी के 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस मार्ग पर किसी भी स्थायी पुल का कोई निर्माण नहीं हुआ है और हर साल बरसात के मौसम में ग्रामीणों को इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी भी सरकार के विधायक और सांसदों की तरफ से इस मार्ग पर पुल का निर्माण नहीं कराया गया। वहीं इस रास्ते से तकरीबन कई गांव के ग्रामीण रोजाना होकर गुजरते हैं, लेकिन बरसात में पहाड़ा नदी का पानी इस रास्ते पर आने के कारण लोग जान हथेली पर रखकर पहाड़ा नदी को पार करने को मजबूर हैं। बहरहाल इस ओर जिले के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की कोई भी नजर अब तक नहीं पड़ी है। यह नदी ग्राम चकुदशन और बढ़ापुर के बीच में पड़ती है। इस नदी का नाम पहाड़ा नदी है और यहाँ पर इस नदी से गुजरने वाले जो गांव के व्यक्ति हैं वो ग्राम एक सरदारपुर है, ग्राम बेड़ी है और ग्राम धर्म वाला है और ग्राम एक छपड़ा वाला पड़ता है और ग्राम एक प्रकाशी वाला है। यानी कि इसमें यह लगभग जो है ना 5-6 हज़ार की आबादी के जो है और इस परेशानी को देखते हुए जो है पूरा गांव जो है ये कई गांव इस नदी से जूझ रहे हैं और यहां पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है ये हमारे वाहन खराब हो चुके हैं और जो है हर साल के जो है यहां पर जो है ना एक दो मौत हो जाती है क्योंकि उनको जो है चिकित्सा तक नहीं पहुंचाया जाता। हाथरस जिले में भारी बारिश में वित्त विहीन स्कूल एसोसिएशन ने अपनी कई मांगों को लेकर सड़कों पर रैली निकाली। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों की तरफ से बीएसए को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में वित्त विहीन स्कूल एसोसिएशन ने स्कूलों की बिजली वाहनों की ईएमआई माफ करने की मांग रखी है। इसी के साथ संचालकों की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस बंद करने की भी मांग की गई है। तो प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने ये रैली निकाली है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीएसए को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो स्कूल संचालकों की तरफ से हाथों में पोस्टर्स लेकर बरसात में ये लोग निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लास बंद करो और जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी ईएमआई भी माफ करने की मांग यहां पर की गई है। बीएसए को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस से ये स्कूल के जो संचालक है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने एक खास रैली भी निकाली है। अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है कि विद्यालय खोले जाए तथा आरटी के अंतर्गत जो विद्यालय में अध्ययनरत है छात्र उनकी आरटी की जो शिक्षा क्षतिपूर्ति जो मिलती है वो शासन से भी प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा शासन ने अभी तक विद्यालय वालों की कोई बिल माफ नहीं किए, बिल जारी है तथा छात्रों के भी जो है ईएमआई है वाहन के वो भी जारी है, इससे कोई रियायत नहीं मिली है। शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये एक न्यूज भी निकला था कि शिक्षा में जो शिक्षा अध्यापक है उनको मानदेय दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से इतना उत्पीड़न विद्यालय वालों को न किया जाए। एक तो विद्यालय भी नहीं खोले जा रहे, इसके अलावा कोई मानदेय की व्यवस्था भी नहीं की गई है। बहुत सुंदर। किस संगठन के तहत आपकी रैली निकाली? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत ये रैली निकाली गई है। शांति पूर्वक हमारा जो धरना प्रदर्शन पत्र शांति प्रदर्शन जो किया जा रहा है बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। जहां एक तरफ सरकार चुनाव आने से पहले कई दावे करती है कि विकास किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी, लेकिन जब खुद के ही क्षेत्र की हालत खस्ता हो तो किया भी क्या जा सकता है। कुछ ऐसा ही मामला है कानपुर में, जहां के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के विधानसभा क्षेत्र में लोग नकरिये जीवन जीने को मजबूर हैं। बारिश में भीषण जलभराव के चलते लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। बरसात के मौसम में गंदा पानी नालों का यहां भर जाता है और इसी पानी से निकलने के लिए लोग मजबूर हैं।
तो आपको बता दें कि कानपुर के सैनिक चौराहे के पास पूरा क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं स्थानीय लोग खुद इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर अपनी परेशानियां बता रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री से कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वहीं जलभराव से स्थानीय लोगों का निकलना दूभर होता हुआ नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के विधानसभा क्षेत्र में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तालाब सड़कें बनी हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।